अभी मैं शिक्षा मंत्री से यही अनुरोध करूंगा, हुजूर माय बाप चरण स्पर्श गुरुदेव, पढ़े तो नहीं है लेकिन आप प्रोफेसर हैं। तो शिक्षा मंत्री का एक बयान ये भी आया था कुछ चंद दिनों पहले कि बीजेपी वाले सारे बीजेपी वाले नफरतवादी हैं। सत्य परेशान होता है। हम अपने प्रभु श्री राम और बजरंगबली हमारे बॉस हैं, आपको नहीं पता है बजरंगबली हमेशा हमारे ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष के रूप में ही देखे तो उनका घर छीन के उनका घर मिला, अद्भुत खुशी है। प्रथम जो राष्ट्र का नहीं वो धर्म और जाति का नहीं हो सकता। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश में सियासत हो रही है, तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार मंदिर को लेकर विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिहार के शिक्षा गुरु गुरु रहमान ने शिक्षा मंत्री पर जबरदस्त पलटवार किया है और उनसे अनुरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस पद पर है शिक्षा मंत्री उस पद पर ध्यान दे, ना कि अनाप शनाप बयान दे। तो क्या कुछ अनुरोध करते हुए नजर आ रहे हैं गुरु रहमान, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। राम मंदिर बनने से आप खुश हैं? जो खुश नहीं वो पागल है। तो अभी तो शिक्षा मंत्री का बयान आया है बिहार के कि जो अगर राम मंदिर बन रहा है तो ये गुलामी का रास्ता हो रहा है। शिक्षा मंत्री तो दुर्भाग्य से हमारे डेरी ओनसन के नाम सुन ले बड़ा। जी जी सुने, डेरी ओनसन में नेहरू कॉलेज बा, वो ये कि शायद प्रोफेसर हुए। तो ये राजनीतिक रूप से बोल देंगे हमको, इस सब बात कैसे बोल देंगे कि देखिए मैं मंदिर शब्द का पहली बार उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में आया है। मंदिर बनना पहली बार शुरू हुआ आपको गुप्त काल में जी। और मंदिर बनने का कारण था गुलामी नहीं, मंदिर बनने का कारण था कि फिर से छठ वैदिक काल वाला यागिक कर्मकांड ना आ जाए, पशु बलि ना होना शुरू हो जाए भोजन के लिए और धार्मिक प्रयोजन के लिए। तो इसलिए क्या किया गया कि गुप्त काल में देखा गया कि सब देवता देखते हैं, मियाँ कहते हैं अल्लाह सुन लीजिए, हिंदू कहते हैं भगवान सुन लीजिए, लगता है कि भगवान खाली ऊपर है, अरे भगवान तो थोड़ा पॉकेटों में है। तो वैसी परिस्थिति में ये मंदिर बना था कि अब लोग यज्ञ न करें, यज्ञ को बलि न दें, बलि से कृषि का बाधित होती। तो उस परिस्थिति में मंदिर बना। अब मंदिर में देवी देवता जो उनके आराध्य देव हैं उनकी मंदिर, जैसे अयोध्या में हमारे हम लोग आराध्य देव श्री राम है तो उनकी मंदिर स्थापित। ये गुलामी से कहना ये एक शिक्षित व्यक्ति को, किसी भी शिक्षित व्यक्ति को शोभा नहीं देता, किसी भी शिक्षित व्यक्ति को शोभा नहीं देता। मैं इसे नहीं मानता और ना मानता हूँ, ना उनकी बात हमको चिंता है, क्या कि ना हम ना भाई राजनीतिक आदमी है ना कुछ है। मैं एक दधीची दान समिति का उपाध्यक्ष हूँ, अपना संपूर्ण शरीर मैंने दान कर दिया मरणोपरांत। 46 साल की उम्र 10 जनवरी को हो जाए तो वह हम आपको 58 बार ब्लड दे चुके हैं, 59वां बार 10 जनवरी को देने जा रहे हैं। आज ही 7 महीना के बच्चा को आपको ये बी निगेटिव ब्लड से दिवा के जान बचाए, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं। गरीब को पढ़ाना मेरे लिए धर्म दूसरे स्थान पर है, राष्ट्र प्रथम। जो राष्ट्र का नहीं वो धर्म और जाति का नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, बात अगर बीजेपी की हो रही है सर, तो शिक्षा मंत्री का एक बयान ये भी आया था कुछ चंद दिनों पहले कि बीजेपी वाले सारे बीजेपी वाले नफरतवादी हैं, हिंसकवादी हैं। इस पे क्या बोलिएगा, बीजेपी को आप क्या सोचते, कैसे देखते हैं बीजेपी पार्टी को? पार्टी के भैया तो हम तो कोनो पार्टी के कोसे हम तेजस्वी जी को संरक्षक हैं, तो और बाकी सब हमारे सब नेताओं से ठीक ठाक संबंध है। तो जब सब नेता सब ठीक ठाक संबंध है तो बीजेपी वाले और कोई नहीं, सब कोई भी ऐसे आदमी से बोलिए तो जरा घर के अंदर चौराहा पर नहीं, प्लेटफॉर्म में नहीं, टीवी चैनल पर नहीं, घर के अंदर बोले तो कि हिंदू से खास करके कि अरे बाबू तू बोल जय श्री राम के विरुद्ध एक शब्द बोल, तो बोल के दिखा देंगे दे गुरु रहमान मोछ मोड़ वाला। बोलने के लिए सैद्धांतिक सूचता और व्यवहारिक सूचता में अलग है। शिक्षा मंत्री दिखावा कर रहे हैं, आई डोंट नो, उनका हो सकता है कि इसको दिखावा, तो क्या दिखावा क्या करेंगे, खाली मियाँ के वोट से कोई जीतता है तो दिखावा, हिंदू का सब छोटे दिखावा नहीं करेंगे। क्या क्या बोल दे रहे हैं, अभी मैं शिक्षा मंत्री से यही अनुरोध करूँगा, हुजूर माय बाप चरण स्पर्श गुरुदेव, पढ़े तो नहीं है लेकिन आप प्रोफेसर हैं, आप है बेचारा मास्टरवन सब परेशान है, सब है लिस्ट लास्ट वाला परेशान है सब, उसकी कृपा कीजिए, धर्म की बात धर्म पर छोड़ दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। जय हिंद।
सुना आपने क्या कहा गुरु रामान सर ने उनका। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर पर जबरदस्त पलटवार करते हुए नजर आए शिक्षा गुरु रहमान और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि जिस पद पर शिक्षा मंत्री विराजमान है उस पर ध्यान दे, अनाप शनाप बयान न दे। इसी के साथ क्या कुछ अनुरोध करते हुए नजर आ रहे थे गुरु रहमान, सुन रहे थे आप। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।